तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसम और एमए मोटर ब्लॉग से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला है, ये वीडियो है कार परफ्यूम के बारे में। तो दोस्तों मेरे कार में तो पहले मैं एक हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहा था, पर देखा कि उसमें मतलब कार का जो एसेंस है उसको थोड़ा बेहतर नहीं बना पा रहा था क्योंकि उसका क्वांटिटी थोड़ा कम ही था। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट में ही जाएं। तो इसलिए ये सब सोच के मैंने अभी बस अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगवाया था, जो प्रोडक्ट बाहर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। तो वो प्रोडक्ट है दोस्तों, तो दोस्तों ये है गोदरेज एयर और इसका जो एसेंस यहाँ पर दिखाया गया है वो है आयरिश कॉकटेल। तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगवाया और बस आज ही इसका डिलीवरी हुआ है। इसका प्राइस मुझे पड़ा था अमेजोन से 379। तो मैं अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू देखा था, ये सब प्रोडक्ट मैं पहले कभी यूज नहीं किया था, यही मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों ये जो कार परफ्यूम है, चाहे आप कोई भी ब्रांड का यूज करो या फिर कुछ भी हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए गाड़ी में तो हम सभी ट्रैवल करते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों को मतलब बहुत सारे बदबू भी आ जाते हैं क्योंकि हम गाड़ी के अंदर खाते हैं या फिर कभी कभी दोस्तों के साथ जब जाते हैं तो ड्रिंक भी करते हैं। तो इसलिए ये सब इसके लिए गाड़ी में थोड़ा मतलब गंदगी तो हो ही जाता है। और जो और एक चीज़ है, कार परफ्यूम जो होता है ना, ये आपका जो ड्राइविंग मूड है इसको भी थोड़ा कंट्रोल करती है ये। तो अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हो और आपके मतलब आप एक अच्छी खुशबू से सराउंडेड रहोगे ना, तो अब देखना कि आपका जो ड्राइविंग मूड है वो बहुत ही फ्रेश रहती है। तो चलिए दोस्तों और ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्टली जाते हैं प्रोडक्ट में और देख लेते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है और कैसे उसको लगाया जाता है और उसका क्वालिटी कैसा है। तो चलिए वीडियो देखते रहना आखिर तक और बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप भी इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अमेजोन का जो लिंक है मैं उसको डाल दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट खरीद सकते हो। और इसके अलावा मैं और भी कुछ कार परफ्यूम का लिंक भी दे दूंगा जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। तो देखिए फ्रेंड्स यही है वो प्रोडक्ट, तो ये गोदरेज का प्रोडक्ट है, गोदरेज एयर ट्विस्ट जेल। और इसका जो एसेंस का नाम है वो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आयरिश कॉकटेल रब एंड सीफ। और जो प्राइस मुझे पड़ा है इसकी वो है 379 रुपीस की। तो देखिए इधर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि ये कैसे लगाया जाता है, वो पहले देख लीजिए कि फर्स्ट पील ऑफ द बॉटम स्टिकर, मतलब नीचे में एक स्टिकर रहेगा उसको उठाना होगा जिससे कि ये प्रोडक्ट बैठेगा उधर। नेक्स्ट बोल रहा है कि ओपन द डिवाइस, डिवाइस को खोलना है, फिर वहाँ पर जाके एक क्लीन योर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड को थोड़ा बहुत क्लीन करना है ताकि वो जो गम वाला जो जगह है वो ठीक से बैठ जाए, और फिर उसको ट्विस्ट कर देना है। तो फ्रेंड हमने अभी इसको बॉक्स से बाहर निकाला, तो देखिए ये कैसे दिखने में है, ऐसे आता है कुछ। पैकेट से निकलने के बाद ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है जो कि देखने में बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और ये बहुत ही अच्छे से ना सील किया हुआ था, इसको खोलने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसलिए मैंने कैमरा छोड़ के दो हाथ को यूज़ करके मतलब उस पैकिंग को हमने खोला। तो अभी क्या करना होगा हमें, अभी इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको पील करना होगा। तो चलिए पील कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है यहाँ नीचे से आपको ना ये स्टिकर हटाना होगा, हटा दीजिए पहले ही, ठीक है इसको हम हटा दिए। इसके बाद ये जो ये है इसको आपको खोलना होगा, कैसे खोलोगे, बस इसको ट्विस्ट करने से ये खोल जाता है। पर याद रखना कि ये ट्विस्ट करने के बाद ना इसको कभी टिल्ट और हिलाना मत, बस यहाँ पर एक कवर रहता है इसको आपको हटाना होगा, एकदम बहुत सावधानी से इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ये हट गया। अभी क्या करना है, जो कवर ये था, जो कैप था, इसको फिर से
बिल्कुल एकदम अच्छे से लॉक कर दीजिए। तो ये बिल्कुल लॉक हो गया। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि इसको मतलब कभी हिला जुलाने का नहीं है, बस ऐसे जैसे हो गया अभी इसको हम बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स मुझे तो परफ्यूम को यहाँ पर ही इंस्टॉल करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो काफ होल्डर्स है वहाँ पर ना ये अंदर थोड़ा ये जो दिख रहा है आपको ये कार्प जैसा, इसके लिए यहाँ पर ये ठीक से बैठा नहीं, हिल रहा था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, इसको उठा के हम इधर ही बैठा दिया। अब बस क्या करना है इसको, अगर इसको आप ऑन करना चाहते हो तो बस देखिए इसको जस्ट ट्विस्ट करना है, बस ट्विस्ट कर दिया तो ये देखिए ये ऑन हो गया, मतलब ये जो होल्स है ये एक लाइन पे आ गया। और अगर आप ड्राइव करके आ रहे हो फिर उसके बाद इसको ऑफ करना चाहते हो तो बस इसको ऐसे घुमा देना, ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ, आप ऐसे ही इस प्रोडक्ट को मतलब यूज कर सकते हो। तो अगर आप आए इसके परफ्यूम कैसा है, तो दोस्तों इसका परफ्यूम बहुत ही ना एक स्वीट सा है, मतलब इसका जो परफ्यूम है मैं किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है कि जिसके साथ मैं कंपेयर कर सकूँ। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को बुक करने से पहले मैं बहुत सारे अमेजोन का रिव्यूज़ पढ़ रहा था, तो उधर एक प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे दोस्तों ने वहाँ पर शेयर किया है, वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू है कि ये कार को ना ठीक से मतलब एसेंस जो है उसको फैल नहीं पाता है। तो जो जल्दी ख़त्म होने जाने वाला जो प्रॉब्लम है ना उसको शॉर्ट आउट हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं ये कार परफ्यूम्स को हम डैशबोर्ड में ही फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि डैशबोर्ड में ना मत फिक्स कीजिए। हाँ ये सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है, पर डैशबोर्ड में फिक्स मत कीजिए, बल्कि उसको फिक्स कीजिए, आप इंस्टॉल कीजिए आपके गाड़ी के काफ होल्डर्स में। वो तो ज़्यादातर हमारा यूज़ नहीं होता है काफ होल्डर्स, फिर भी दो तो रहता ही है, तो एक में आप ना उसको फिक्स कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि हमारा जो विंडशील्ड है वहाँ से जो डायरेक्ट सनलाइट आता है ना वो उस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए खर्च भी थोड़ा कम होगा और जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। और जो वहाँ पर है उससे क्या होता है सनलाइट मतलब डैशबोर्ड पे रहने से सनलाइट डायरेक्टली जब उसे अफेक्ट करता है तब क्या होता है उसका मतलब क्षमता थोड़ा कम जाता है, इसलिए मतलब परफ्यूम भी ठीक से फैलता नहीं है। पर अगर आप उसी चीज़ को यहाँ पर काफ होल्डर्स में रखोगे तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक रहेगा। और मेरा जो दूसरा टिप्स रहेगा दोस्तों, इसको ना एक मतलब हैबिट पे कन्वर्ट कीजिए आप, मतलब जब आप गाड़ी चलाएंगे तब उसको खोलिए, और जब आप ड्राइविंग खत्म करके अपना गाड़ी पार्क कर रहे हो तो उसका जो कैप है उसको भी हम घुमा सकते हैं, घुमा के लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, वो भी आपको हम दिखा देंगे। तो गाड़ी जब आप पार्क कर रहे हो ना तब उसे जरूर लॉक कर देना, नहीं तो अगर वो खुला छोड़ के आप चले जाओ तो वो ना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये दो टिप्स आप याद रखिए कि एक उसको डैशबोर्ड में प्लेस नहीं करना है कि ये कप होल्डर्स में, और दो है जब आप गाड़ी कहीं से ड्राइव करके आ रहे हैं तो उसको जरूर लॉक करके जाइएगा, मतलब उस जो परफ्यूम है ना उसको लॉक करके जाइएगा। तो एनीवेज गाइस, तो मैं जो टिप्स बताया आपको यूज करने का, तो आप वैसे यूज करोगे ना तो बहुत दिन तक जाएगा ये आपका गोदरेज एयर जो है, दो महीने तक तो जरूर जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आ रहा हूँ मैं फिर से एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।